Hi guys, this is your Raya and welcome back to my mama's channel. अभी जस्ट रायु सो के उठी है, पता है पता है पता है, और दांत दिखाती हूँ अपना, हंसी वाला दांत ऊपर दो नीचे दो, गुल गुल गुल। अभी 12:15 बज रहा है पर मैडम का नीनी नहीं टूट रहे। आज भी रायु का बर्थडे, आज है अक्षय तृतीया, तो रायु अक्षय तृतीया के दिन भी बर्थ हुई थी, मतलब ईद अक्षय तृतीया दोनों ही था, मतलब रायु का 3 दिन का बर्थडे है, पता है। तो पापा का बाइक का आवाज सुन के, और ए दिखे आज में पापा ओ दिखे रेखे नीचे बाइक ए दिखे चला है चला ए दिखे ए दिखे देखो ए तो आ गया रायु के पापा, देखो दौड़ के आ गया पापा। देखो आज रायु का बर्थडे इसलिए नया नया कपड़ा पहनी है, और शाकिब भी उसके लिए केक लेके आया है। साल में 3-3 बर्थडे, एक ईद, एक 22 तारीख, एक अक्षय तृतीया। तुमको भी ना कुछ ये चाहिए, मतलब हर दिन बर्थडे मनाएगी रायु। हैप्पी बर्थडे करो, चले सो हैप्पी बर्थडे। देखो उसके लिए उसके पापा रेड वेलवेट लेके आए, कितना स्वीट होता है, और वो ना केक खाना बहुत पसंद करती है। अरे जस्ट एक बार खिला दो ना, तो कौन खाएगा, तुम खाओगे ना? तुम मैं खाओ? नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी, बाद में बोलोगे तुम तो खिला के मुझे मोटा करते हो, तुम ही खाना। रायु का केक रेडी है और ये है गिफ्ट रायु का, चलो। हैप्पी बर्थडे रायु, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो भी सोच रही दिन रोज मेरा बर्थडे होता है, हैप्पी बर्थडे ये। क्लैप करो, सब क्लैप करो, क्लैप करो। ওটা ভাল লাগে নি, দার গুড়ো 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 গুড়ো, চি চি চি। ওই ভেতরে সাদা ক্রিমটা দাও ওকে একটু, ক্রিমটা ক্রিমটা সাদা ক্রিমটা দাও, সাদা ক্রিমটা দাও, ওর ভাল লাগবে। সব থেকে সুইট এটা না, খাও খাও। ইয়ে এনা গিফট দিয়ে দাও রায়ুকে, এনা আমাদের গিফট দিয়ে দাও রায়ুকে। বাবা রায়ুর বাবাই খেতে ব্যস্ত। থ্যাংক ইউ বালু মা, खुशी हो गई। आज कुकिंग के डिपार्टमेंट में है मिस्टर शाकिब, तो शाकिब आज क्या बना रहे हो आप? मैं बना रहा हूँ स्पेनिश भिंडी। स्पेनिश? यस। ना स्पेनिश। स्पेनिश। अच्छा, और उसके साथ? उसके साथ हैदराबादी दाल। इतना ज्ञान देते हो ना, इतना गैस मारता है, क्या बोले। एक्चुअली आज मुझे थोड़े से ब्रांड का काम है अर्जेंट बेसिस पे, जो मुझे देनी है अभी एडिट करके। साथ ही साथ आज हम लोगों का इनविटेशन भी है कि तरफ से, मतलब रिलेटिव्स का है हमारा, तो वहीं पे भी जाना है। मतलब मैं है ना, बहुत पहले राय होने से पहले तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, इसलिए शूट नहीं हो पाया, तो आज जाएंगे। फिलहाल कुछ दिनों से बहुत बारिश हो रही है, पता नहीं आज होगा कि नहीं। बारिश होगा तो नहीं जा पाएंगे रायु को लेके, तो शाकिब अकेला जाएगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो हम लोग सब जाएंगे। तो इसीलिए मुझे शैम्पू भी करनी है, क्योंकि शैम्पू भी नहीं किया है, हेयर का हालत भी खराब है। अभी वीडियो एडिट करके मुझे ब्रांड को भेजनी है, तो इसीलिए शाकिब बोला मैं आज भिंडी आलू का भाजी बनाता हूँ, जो स्पेनिश बोल रहा है पूरा ढोप मारता है वो, तो भिंडी आलू भाजी बनेगी। और मैं दाल अभी भिगो दूंगी, तो दाल बना लेंगे, वो तो कुकर में हो ही जाएगा। रायु का खाना तो हो गया है, अब घर का बेड का हालत खराब है तो उसे भी साफ करनी है। और आप लोगों को बतानी है गुड न्यूज, मैंने चिमनी बुक कर दिया है, बहुत जल्दी आएगा, तो आएगा तो आप लोगों के साथ आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखो रायु का कांड देखो। ओ हैप्पी बर्थडे गर्ल, रायु गर्ल, ओ रायु, देखो इधर देखो क्या करती हो, इसका हेयर देख रहे हो कितना लंबा लंबा हो गया है, पर काटना नहीं है क्योंकि रायु का फोटो में अच्छा लगता है बड़ा बड़ा हेयर, है ना माँ? और रायु वहाँ गेट के पास क्यों रो रही हो तुम? हाँ रिया बाथरूम में है और ये यहाँ के गेट के पास जाके रो रही है। ये देखो ये स्पेनिश ढेरों से भाजी बना है, भिंडी ढेर, अब मुझे लग रहा है कि भिंडी तो अभी तक कुक नहीं हुआ है, और यहाँ पे दाल बना है। तो ये आज का लंच रेसिपी है। ये क्या कर रही है रायु, देखो दांत निकालेगी, क्यूकम्बर दांत, क्यूकम्बर दिखाओ दिखाओ। कल ना मैंने शाकिब के लिए ये मैंगो आइसक्रीम मैं ली थी, तो वो खाया नहीं था, तो आज ये खाएंगे। हेलो सच बोलू, मैंगो का बहुत सारा फ्लेवर किया है, खाया हूँ, ये वाला बेस्ट है। अभी रायु रायु का एक्सप्रेशन देखते हैं, ये ठंडा थोड़ा सा, थोड़ा सा।
शाम के टाइम में हो रात के टाइम में थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर आएगी। आ जाओ आ जाओ आओ जल्दी 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 आ जा आ जा। हम चले जाती टाटा। वो अभी अच्छा चलती है ना इसीलिए दिन भर बाहर उसको आना ही है। 11:30 बजे तक आ जाती है बाहर फिर फुटबॉल लेके खेलने के लिए। वो अभी चाय वाय पी के मैं और राय बैठी हुई है और सोच रहे कि आज क्या पहना जाए। और मैं सोच रही हूँ साड़ी नहीं पहनूं क्योंकि बारिश का वेदर है, पता नहीं कब आ सकते हैं। आज तो हुआ नहीं सुबह से फिलहाल, तभी रायु को लेके साड़ी पहनने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और क्योंकि ये मुस्लिम फंक्शन है तो सलवार ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा ईद का जो रेड कलर का सलवार था ना तो वो तो नया ही है, ईद में एक बार पहनी थी, मैं सोच रही हूँ वो पहन लूँ। और रायु का ड्रेस आप लोगों को दिखाए तो रायु को नया नया कपड़ा चलो लेके आए, रायु लेके आए अपने कपड़े पे जाके। वहां पे मत खिजरानी करो, मैंने यहाँ पे मेकअप निकाल के मैं लेके आ गई, यहाँ बैठ के मेकअप कर लूंगी। मेकअप के पास जाके वो सोच रही है कब तक खोलेगी मम्मा, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 बज गया है तो 8:30 बजे जाने का प्लान है, तो 1 घंटे के अंदर मुझे रेडी होना है, उसको रेडी करना है, खिलाना भी है, इसलिए अभी मेकअप कर लूँ फेस का। और वेदर भी ना आज काफी अच्छा है पता है, एकदम उतना ज्यादा गर्मी नहीं है पर तब भी उसके अंदर भी मैं एकदम पसीना पसीना हो जाती हूँ। चलो रेडी होके मिलते हैं। आयु एकदम सुंदर तरीके से रेडी हो गई है, दिखाओ सबको अपना लुक। और यहाँ पे ना जाने से पहले उसका कुछ फोटोज क्लिक कर लेते हैं। देखो एकदम फिटिंग्स हुआ है अभी, है ना? या फुल रेडी, एकदम रेडी। और आज मैंने अपना नया बैग का उद्बोधन किया क्योंकि मैं दूसरा बैग ले रही थी, शाकी बोल रही ये कब से खरीद के रखे हो, ये तो तुम लेती ही नहीं, तो आज ले लो, तो इसीलिए बैग मेरा कैसा लग रहा है। और दिस इज माय लुक, मैंने हेयर बांध ली थी ना स्कूटी से जाऊंगी तो हेयर खराब हो जाएगी। नहीं यार बांध के ही बहुत अच्छा लगा, मैं हार पहन रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। पैदल पैदल जा रही है रिया, तो आ गए अभी 10:45 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। अभी यहाँ पे जो दूल्हा है दुल्हन है वो लोग ही नहीं आए, मैं शादी को बोल रही थी कि 8:00 बजे से चलो, तो हम लोग 9:30 अभी 9:40 बज गए नीचे पहुँचे, अभी दूल्हा दुल्हन नहीं आए, वो लोग को लाने जा रहे पूरा, अभी शादी घर पूरा फांका है। शाकिब बोला है 11 फर्स्ट हम लोग है। हम लोग फर्स्ट नहीं, हमारे साथ और 2-3 जन है। शाकिब बोला है 12:00 बजे 11:30 बजे के बाद भीड़ होगा, सोचो। रायु यहाँ पे मस्ती में अपने आप चल रही है घूम रही है। रायु इधर आओ, रायु रायु तुमको क्या फील हो रहा है? मुझे भूख लग गया। हाँ हम लोगों का टाइम हो जाता है ना, और मैं तो 8:30 बजे खा ली, दोपहर के बाद शाम को चाय वाय मतलब काम में स्किप हो गया मेरा, तो मुझे भूख लग गया, मुझे जल्दी से खाना है। आ गई है सोनू रेडी वेडी होके। सोनू जूतोटा खुल ली क्या? जाओ उधर से खेलते जा, जा 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 जा। अभी तक 10:30 बज गया, दूल्हा दुल्हन कोई नहीं है, रायु पोड़ में किंतु सोनू इन लोगों का फोटो खींच या शादी में। अभी तक दूल्हा दुल्हन नहीं आया तो हम लोग चले जा रहे हैं नीचे खाने के। भैया खाने बैठ के फिर क्यों उठ रही हो? अरे आया है ये नान लूची टाइप का, हाँ पनीर चना, तुम तो खाओ ना आज खाचो। सोनू खावे ना? ओ अच्छा। और यहाँ पे रायु बैठी है चुप से खेल रही है। लेग पीस खाने यहाँ पे लिया है चिकन बिरयानी, मतलब उन दोनों के बाद ही यही चिकन बिरयानी आ गया, टेस्ट भी काफी सही है। तेरे सोनू भालो भालो भीड़ बढ़ रही है, कितना खाओगी? चलो अब घर जाना है ना, फोटो क्लिक कर।
रिया चलो रिया हुआ तुम्हारा तो गाइस तब आके मैंने रायू को खाना खिलाया उसको फ्रेश किया मैं फ्रेश हुई और रायू के आँख में बिल्कुल भी नींद नहीं है मतलब वो शाम के टाइम में उठी थी 4 बजे सो के उठी थी तब से अभी बज रहा है 1:10 अभी भी जागी हुई है स्टिल वो खेल रही है उसको नींद बिल्कुल नहीं आ रही है आज टाइम थोड़ा सा स्कूटी में वो सो गई थी मुझे पता है कि वो जब नैप ले लेती है ठीक है और नैप जब ले लेती है ना वो और ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो अभी उसका सोने का नाम नहीं है पर मुझे काफी तेज नींद लग गई है पर क्या ही कर सकते हैं अभी जाग के बैठना पड़ेगा जब तक मैडम को नींद नहीं आती है ना मैडम है ना मैडम लाइव आ गई है आप लोगों को बाय बाय करने के लिए तो गाइस आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर पसंद आते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन बाय लव यू ऑल।